हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे असेंबली प्रोसेस और उनके प्रकार, ठीक है। और आज पढ़ेंगे असेंबली सिस्टम, असेंबली तंत्र, ठीक है। किसी उद्योग में असेंबली प्रोसेस को कार्यान्वित करने की निम्न विधियां होती हैं। नंबर एक, हस्तचलित एकल स्टेशन असेंबली, मैनुअल सिंगल स्टेशन असेंबली। दूसरा होता है हस्तचलित असेंबली लाइन, मैनुअल असेंबली लाइन। फिर उसके बाद आपका तीसरा होता है स्वचलित असेंबली तंत्र, ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पहला जानेंगे, हस्तचलित एकल स्टेशन असेंबली के बारे में। जहाँ उत्पादन बहुत कम होती है तथा उत्पादन बहुत बड़े आकार का होता है, वहाँ हस्तचलित एकल स्टेशन असेंबली का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़े मशीन टूल्स, एयरक्राफ्ट, पानी के जहाज़, रेल के इंजन व डिब्बे आदि, ठीक है। उत्पादन दर के और कार्य की आवश्यकता, एक या एक से अधिक मजदूर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो हस्तचलित एकल स्टेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में उत्पादन होता है लेकिन साइज़ बड़ी होती है, ऐसे जगह पे हम हस्तचलित एकल स्टेशन का प्रयोग करते हैं। नंबर दो आता है हस्तचलित असेंबली लाइन। इसमें समस्त असेंबली का कार्य एक ही स्टेशन पर न होकर छोटे छोटे स्टेप में अलग अलग स्टेशनों पर क्रमशः एक के बाद एक अवयवों को जोड़कर किया जाता है। जैसे उत्पाद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता रहता है, उसमें एक एक करके पार्ट्स जोड़ते जाते हैं, इस प्रकार असेंबली पूरी हो जाती है। प्रत्येक स्टेशन पर एक या एक से अधिक मजदूर कार्य करते हैं। फिर तीसरा आता है असेंबली स्वचलित असेंबली तंत्र, ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। इसमें असेंबली का कार्य हस्तचलित असेंबली लाइन के समान होता है, केवल अंतर इतना है कि मजदूरों पर कार्य स्वचलित मशीनों द्वारा किया जाता है, यानी मजदूरों के स्थान पर इसमें स्वचलित मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये असेंबली सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।